हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। डिमांडिंग इन द सेंस कि आप में से बहुत बच्चों का मतलब रिक्वेस्ट था कि भैया CHS हॉस्टल दिखाइए, बॉयज हॉस्टल कैसा है, क्या फैसिलिटीज है, मेस कैसा है, सारी चीज़ें आप हमें दिखाइए, रूम कैसा है। तो मैं इस वीडियो में आपको वही दिखाने वाला हूँ। हालांकि पहले ही मैंने दिखाया था, लेकिन अभी जो हमारे नए बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं जो कि वीडियोज़ वगैरह को नहीं देखे हैं, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए फिर से ये वीडियो लाया जाए ताकि आप लोग देखें कि स्कूल हॉस्टल कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, कैसा वातावरण है, तब हर चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। रूम कैसे है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना प्यार जरूर दिखाइए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो दोस्त हैं CHS में पढ़ना चाहते हैं उनको दिखाइए। तो चलते हैं आप CHS सोशल के अंदर। पहले आप बाहर देख लीजिए, क्या वार्डन आवास को पहले आप देख लीजिए, क्योंकि वार्डन आवास जो हॉस्टल के जस्ट बाहर गेट पर ही है, तो आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे हॉस्टल का वार्डन आवास है, इसमें हॉस्टल के वार्डन के रहने के लिए बनाया गया है। ये हॉस्टल के बाहर है, और जो आप सामने देख रहे थे जो वहाँ पे गार्ड अंकल जी ड्रेस में खड़े थे, वे हॉस्टल के गार्ड हैं। आपको अब अंदर लिए चलते हैं। अब जैसे एंट्री करेंगे तो आपको गेट पर दिखा है कि मालवीय जी का और माता एनी बेसेंट का फ़ोटो लगा हुआ है एंट्री पर। और देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर है। पहले हम आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर दिखाएंगे और फिर सेकेंड फ्लोर पर चलेंगे। आपको बता दें कि फर्स्ट फ्लोर पर टोटल 28 रूम है, यानी कि 28 कमरे हैं, जिसमें से दो कमरे एक प्रशासनिक कमरा है जो आप देख रहे हैं, प्रशासनिक कक्ष, और दूसरा है जिसमें गार्ड वगैरह या कर्मचारी वगैरह जो है उनको रहने के लिए है। बाकी यहाँ से रूम नंबर 1 स्टार्ट होता है और फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 26 तक है, और 26 रूम ऊपर है, यानी कि 56 दुना 52 रूम है, जिसमें कि 104 बच्चे रहते हैं, यानी एक रूम में दो बच्चे तो 52 दुना 104। तो हॉस्टल में टोटल 104 बच्चे रहते हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को मिलाकर। ये नीचे का पूरा गार्डन आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया है, और इसका देखभाल करने के लिए हॉस्टल में माली भी है। और आप अपना, अगर ये आप हॉस्टल में साइकिल रखे हैं तो आप साइड साइड में अपना साइकिल लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रूम नंबर 4 है, ये मेरा रूम हुआ करता था, लेकिन अभी तो हॉस्टल बंद है, अभी रूम भी खाली कर दिए थे क्योंकि हॉस्टल बंद था। और ये बाथरूम है, आपको बता दें कि बाथरूम की साफ़ सफाई के लिए भी कर्मचारी रहता है, प्रतिदिन अच्छे से बाथरूम का साफ़ सफाई किया जाता है, साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं एकदम कितना साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और आपको बता दें कि चारों कोना पर, यानी कि 4 नीचे 4 ऊपर, यानी कि टोटल 8 बाथरूम आपको हैं, चारों कोने पर बाथरूम बनाए गए हैं। और यहाँ पर नल है, यहाँ पर डायरेक्ट नल आता है, जो सप्लाई आता है ना बाहर के टंकी से, उसका पानी आता है इसमें। और ये देख सकते हैं 2 वाटर कूलर और वाटर प्योरीफायर, इसमें ठंडा ठंडा पानी आता है पीने के लिए, प्योरीफायर होकर ही, इसमें प्योरीफायर भी होता है और इसमें ठंडा भी होता है। और एक इधर से ये अलग एक प्योरीफायर लगा हुआ है, और इधर मेस है, आपको हम दिखाते हैं अंदर मेस में क्या है। चलिए आपको हम पूरा अंदर दिखाएंगे मेस में, बच्चे कहाँ बैठ कर खाना खाते हैं और क्या कैसे होता है, कहाँ खाना बनता है, तो आपको हम अंदर सब दिखाने वाले हैं। तो आपको मेस के अंदर लिए चलते हैं डाइनिंग हॉल। आप देख सकते हैं जहाँ वो भैया खड़े हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, उधर जो है खाना वगैरह बनता है और इसमें बच्चे खाते हैं। आपको बता दें कि बच्चों को अपना थाली वगैरह नहीं धोना रहता है, बाहर से थाली रख दिया जाता है, थालियाँ लेकर आना रहता है, यहाँ पर बैठ जाते हैं और अंदर से लेकर आते हैं, आपको खाना परोस देंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना, खाइए और थाली छोड़कर चले जाइए, आपको थाली वगैरह भी कुछ धोना नहीं है, बस आप आइए खाइए और जाइए, थाली वगैरह धोने का कोई टेंशन नहीं रहता है, वो सब धोने के लिए मेस में कर्मचारी वगैरह है। और बात करें मेस फी बता दें आप लोग को, तो देखिए मेस फी लगभग 2600-2700 आता है, डिपेंड करता है कि महीने में मेस के ऊपर कितना खर्च होता है। और मेस के खाने के बारे में बात करें तो खाना मेस का बहुत ही बेहतर रहता है, मेस का खाना बहुत ही बेहतर रहता है, आप जिस तरह चाहें उस तरह खाना बनवा सकते हैं, ये स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है। अब चलते उधर, आप थोड़ा चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये जो आप वहाँ पर एक और वाटर कूलर दिख रहा होगा, ये ख़राब हो चुका है, इसलिए वहाँ रखा हुआ है। देख सकते हैं कैसे मतलब बच्चे जो है उनका साइकिल साइड में रखे हैं, मतलब क्या होता है, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, इतना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली वगैरह है। देख सकते हैं गार्डन को कितना अच्छे से सजाया गया है, आपको मैंने बताया भी है कि इस सबका देखभाल करने के लिए एक माली भी मतलब प्रतिदिन आते हैं, इस सबका देखभाल करने के लिए, पानी वगैरह देना, इसका कटिंग करना, सजाना, जो सूख गया पत्ता है उसको हटाना, सबके लिए मतलब कर्मचारी रखे, सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और ये गमला वगैरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर शाम को मतलब हम लोग चाय वगैरह मिलता है तो यहीं पर बैठकर चाय पीते हैं, एकदम एक महफिल टाइप का जम जाता है, एकदम बहुत सारे बच्चे भीड़ लगा देते हैं, मतलब बातचीत वगैरह होते रहता है, संगोष्ठी बोले तो इस तरह कुछ यहाँ पर होता है गोलंबर पे।
क्योंकि शाम का वक्त रहता है, शाम को चाय मिलता है, तो सब आकर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और आपको एक और ऊपर जाने के लिए टोटल दो सीढ़ी, एक ये है और एक आप ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक सीढ़ी है, इधर से आप ऊपर जा सकते हैं। और आप देख रहे होंगे ये जो गेट है, ये एंट्री गेट है, इधर से हम लोग आते हैं, सामने जो दिख रहा है गेट वो एंट्री गेट है। और आपको दिखा दें ऊपर जाने के लिए, अब हम ऊपर आ चुके हैं, और आप ऊपर से देखिए आपको ऊपर से कैसा नज़ारा दिख रहा है, उधर गुलंबर दिखाई दे रहा है। हमने बताया कि हम लोग यहीं पे संगोष्ठी करते हैं अपना, मतलब चाय वगैरह पीते हैं यहीं पे बैठ कर एकदम भीड़ भाड़ में, मतलब सब लोग बच्चे इकट्ठा होते हैं। उसके बाद यही मतलब आपको बताया कि टोटल 26 रूम, यानी कि 26 रूम नीचे था, ये सब मेरे ही क्लासमेट घूम रहे हैं, मतलब 26 रूम नीचे है और 26 रूम ऊपर है। और आपको मैं ऊपर में और चीज़ें दिखाऊंगा कि कॉमन हॉल कहाँ है, कॉमन हॉल का भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं, देख रहे हैं संगोष्ठी कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे खड़ा होकर, सब मेरे क्लासमेट्स हैं। और आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि हर एक कोने पर लाइटिंग बाथरूम है, तो ये भी देख सकते, ये ऊपर का कोना, ऊपर में भी आपको चारों कोने पर लाइटिंग बाथरूम सब दिया गया है। और आगे हम अब चलते हैं कॉमन हॉल में, आपको दिखाएंगे, देखिए आगे कॉमन हॉल में, और ये आप टीवी देख रहे होंगे, इसी में सब लोग बैठ कर टीवी देखते हैं, इसका नाम राहुल है, मेरा क्लासमेट है ये भी। और ये आप देख रहे होंगे इसको डेकोरेट किया गया है, क्योंकि देखिए सरस्वती पूजा वगैरह होता है ना, तो कॉमन हॉल में ही होता है, तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, और इसी में सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। और कुछ ज़्यादा हम लोग टीवी वगैरह जो है वो IPL के सीज़न में देखते हैं, तो IPL वगैरह देखना रहता है तो अक्सर आते हैं कॉमन हॉल में, तो ऐसे बहुत कम आते हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, ऊपर का ये नज़ारा है, ऊपर से मतलब ये ऊपर में जहाँ से हम लोग हॉस्टल में घुसते हैं, ये ऊपर का बालकनी है, देख सकते हैं बाहर में कितना हरियाली है, हॉस्टल के आसपास चारों तरफ आपको पेड़ पौधे लगे हुए, एकदम अच्छा ऑक्सीजन, एकदम अच्छा बहुत मस्त इन्वायरमेंट है। अब गाड़ी वगैरह का भी साउंड नहीं आता, क्योंकि आसपास रोड नहीं है, थोड़ा दूरी पर है, तो इसलिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। बहुत ही शांत वातावरण में CHS का हॉस्टल है, और ये स्कूल के अंदर भी है, तो यहाँ सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है, आपको हॉस्टल के गेट पर भी गार्ड मिलेंगे, साथ ही साथ स्कूल गेट पर भी गार्ड मिलेंगे। अब चलते हैं रूम में, देख लीजिए जितने भी मतलब 52 रूम है हॉस्टल में, टोटल रूम एक ही तरह का, सेम इसी तरह सारे रूम को डिजाइन किया गया है, और एक रूम में दो बच्चे रह सकते हैं, एक बच्चे को एक टेबल, एक चेयर, एक चौकी, एक कपबोर्ड, और एक रूम में एक फ़ैन होता है आप देख सकते हैं, और दो ट्यूबलाइट भी होते हैं। तो इतनी चीज़ आपको रूम में दिया जाता है, बाकी गद्दा वगैरह, बेडशीट वगैरह, जो भी ज़रूरी की चीज़ें आपको खुद से लानी पड़ती है, बाकी जो चीज़ें चौकी वगैरह, टेबल वगैरह, ये सारी चीज़ आपको हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, बाकी जो यूज की चीज़ें हैं, इसेंशियल चीज़ें हैं, वो आपको खुद से लाना होता है, चाहे बकेट वगैरह हो गया, मतलब जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं आपको खुद से लाना होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये CHS हॉस्टल आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, यहाँ का जो माहौल है, पेड़ पौधा है आसपास, सारी चीज़ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को प्यार दिखाएँ। धन्यवाद।